हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानपुर वेद पीके पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमारा 2023 का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिन भी छात्रों ने ग्रुप ए से जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उससे अप्लाई किया है, तो उनका जो गणित का जो सिलेबस है उसको आज हम देखेंगे। गणित में आप सभी को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, वो आज हम देखेंगे। आज हम फ्रेंड्स सिलेबस को डील करेंगे। आज हम पूरा सिलेबस देख लेंगे मैथमेटिक्स का क्या है, फिर इसके बाद हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आप सभी का पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है आप सभी को पढ़ना है, वर्ग और घनमूल। सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्ग और घनमूल। वर्ग और घनमूल के बाद आप दूसरा जो टॉपिक है आप सभी का, वो है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी आप सभी को पढ़ना। फिर इसके बाद है सरलीकरण, और चौथा चैप्टर है बहुपद एवं गुणनखंड, और पांचवा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ का पांचवा चैप्टर है। फिर इसके बाद है गणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद सातवां चैप्टर है रैखिक एवं द्विघात समीकरण। इन सभी टॉपिक्स में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ आप सभी को। जो घातांक एवं करणी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एलसीएम एवं एचसीएफ, फिर इसके बाद है रैखिक एवं द्विघात समीकरण। इन इसके बाद है जो हमारा जो गणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, ये हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखेंगे, आठवां टॉपिक है लघुगणक, नौवां है बहुसंख्या पद्धति, और दसवां है प्रतिशत, और ग्यारहवां है लाभ और हानि, और बारहवां टॉपिक है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसके बाद है जो हमारा ये टॉपिक है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। फिर इसके बाद चौदहवां टॉपिक है कराधान, और पंद्रहवां टॉपिक है औसत। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनसे प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, वो है लघुगणक, प्रतिशतता, लाभ हानि, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और औसत। ठीक, अगले टॉपिक देखेंगे वो है अनुपात और समानुपात एवं मिश्रण, और सत्रहवां टॉपिक है कार तथा समय, अठारहवां टॉपिक है चाल तथा समय, और उन्नीसवां टॉपिक है केंद्रीय प्रति की मापे, और बीसवां है विक्षेपण। इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कार्य तथा समय, चाल समय, और अनुपात समानुपात, और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अगले टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण। इससे आपको दो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है त्रिभुज का, और इसके बाद है पाइथागोरस के अनुप्रयोग, और 24वां टॉपिक है हमारा समरूप त्रिभुज, और 25वां टॉपिक है वृत्तीय माप, और 26वां जो चैप्टर है हमारा वो है त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकाएँ, और 27वां जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमितीय फलनों के मान दो, और अगला है दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणीय फलन, और 29वां टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, और 30वां जो हमारा टॉपिक है वो है ऊंचाई एवं दूरी का है, और 31वां जो टॉपिक है वो है वृत्त, और 32वां टॉपिक है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा, और 33वां जो चैप्टर है हमारा समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, और 34वां चैप्टर है आपका घन घनाभ एवं बेलन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न आप सभी को बहुत ही कम से कम चार प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रिज्म पिरामिड एवं तथा शंकु और गोला से। और 37वां टॉपिक है समकोणीय कार्तीय सिद्धांत, कार्तीय निर्देशांक, और 38वां जो टॉपिक है आपका वो है सरल रेखा। सरल रेखा से आप सभी को कम से कम तीन से चार प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रहे उन सभी सभी के सभी टॉपिक्स।
जो आप सभी को पढ़ने हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हम इन सभी की क्लासेस कल से स्टार्ट कर देंगे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।